प्यारे दोस्तों, मैं एक भारत का निवासी हूँ और मैं किसी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र में विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा नाम है फकीर योगी वीरेंद्र योगी। मैं वसुधैव कुटुंबकम आत्म सर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिनः, इन सिद्धांतों पर जीवन को जी रहा हूँ। लेकिन जब कभी भी मैं हिंदुस्तान में महापुरुषों की छवि देखता हूँ, उनकी दीप्ति से मैं प्रभावित होता हूँ, और उनमें अगर राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, स्नेह हो, और 140 करोड़ जनता के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हों, तो उनका मैं गुलाम बन जाता हूँ। इसमें है नरेंद्र मोदी, और एक और महापुरुष इसमें जुड़ गए हैं जिनका नाम है शहजाद पूनेवाला। उनका मैं बहुत आभारी हूँ। जब कभी भी उनको मैं सुनता हूँ टेलीविज़न डिबेट पर, तो उनके मुंह से जो भी बातें निकलती है वो भारत माता की सच्ची संतान के मुंह से निकलती है, और हर भारतीयों को उन पर गर्व होनी चाहिए, क्योंकि वो केवल सत्य के पक्षधर हैं, किसी का पक्षपात नहीं करते। जो सच है वो सच वो बोलते हैं। मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है, बहुत गौरव का एहसास कर रहा हूँ, जब मैंने सुना कि वो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी एक ऐसा राष्ट्रीय दल है जो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में लेके आगे चलता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिद्धांतों पर काम करता है, और मैं हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता को यही कहता हूँ, आप किसी भी दल से जुड़े हों, किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र के हों, ये तो एक वे ऑफ लाइफ है, एक सोच है, एक विचार है, सबों के जीवन में ये आना चाहिए। तो आज इस वक्तव्य में मैं शहजाद पूनावाला, हिंदुस्तान के महान सपूत के रूप में आरिफ मोहम्मद खान, सुबोही खान और अनेक ऐसे महान हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान भाई और बहन हैं जिनकी श्रेणी में वो सदा से थे, वो एक विचारवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान व्यक्ति हैं। उनके एक एक शब्द में भारत माता की झांकी दिखती है। हर भारतीय के लिए उनके दिल में प्रेम और स्नेह का उद्गार होता है, इसलिए उनको मैं सत नमन करता हूँ, और उनको मैं अपने दिल में हमेशा बैठाए रखता हूँ, क्योंकि मैं तो देशभक्त हूँ। जो भी देश की बात करता है वो मेरी धड़कनों में बसता है, मेरी सांसों में रमता है। धन्यवाद। आई लव यू मिस्टर शहजाद। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू फॉर प्लेइंग ए डोमिनेंट रोल इन मेकिंग इंडिया द सुप्रीम नेशन इन द वर्ल्ड। थैंक यू।